हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फाइनली रियलमी 5 सीरीज़ के डिवाइसेस रियलमी 5, रियलमी 5S एंड 5i डिवाइस के लिए रियलमी UI और एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। और इस अपडेट के साथ आपको काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स रियलमी 5 सीरीज़ के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। न्यू नोटिफिकेशन सेंटर, स्मार्ट स्लाइड बार, न्यू ऐप ड्रोवर, न्यू आइकन स्टाइल सेटिंग्स के UI में चेंजेस, लाइव 3D वॉलपेपर, न्यू स्मार्ट असिस्टेंट। और अगर आप स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले फीचर को इनेबल करना चाहते हैं और स्क्रीन लाइट इफेक्ट्स आप देख सकते हैं, रियलमी 5 सीरीज़ में कैसे इनेबल करना है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा और भी हिडन सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि रियलमी 5 सीरीज़ में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और गाइज, हमने MIUI 12 और रियलमी UI का डिटेल में कंपैरिजन ऑलरेडी कर दिया है तो ये वाली वीडियो आपको प्राइम बटन पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद जरूर से आप इसे चेकआउट कर लेना। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन से UI में एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं एंड कौन से UI में कौन से फीचर्स मिसिंग है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे लाइव 3D वॉलपेपर्स को इनेबल करना है, स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले एंड लाइट इफेक्ट्स को इनेबल करना है जो कि एमुलेट डिस्प्ले में ही आपको रियलमी के डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, तो कैसे आपको IPS LCD यानी रियलमी 5 सीरीज में या रियलमी के बाकी डिवाइसेस में इनेबल करना है तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप स्किप कर दें। तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर रियलमी UI के साथ आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल जाता है जिसका कि सभी यूजर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली एंड्रॉयड 10 का अपडेट यहाँ पर मिल चुका है। तो बढ़ते हैं अभी चेंजेस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल का जो डिज़ाइन है पूरा चेंज कर दिया गया, बीच में सारे टॉगल्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड वाइट यहाँ पर रखा गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मोड का जो एनिमेशन है वो आपको नया देखने को मिलता है और सेटिंग्स में भी आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भी आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कितने टाइम से इतने टाइम तक आपको डार्क मोड को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना है। एंड गाइस, डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी ऐप में अभी आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वहाँ पर भी आप डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रात में अपने डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर कम लाइटिंग में यूज़ करते हैं तो इस फीचर को जरूर से यूज़ कीजिए, आपके आइज़ पर इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। एंड गाइस, आप देख सकते हैं जो ऑफ़ करने की एनिमेशन है वो भी आपको यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रियलमी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आप शाओमी, वीवो, ओप्पो के डिवाइसेस के साथ रियलमी के जो डिवाइस का डाटा है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर आपको मोड्स का ऑप्शन मिलता है, मोड्स के अंदर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मोड अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग मोड आपको कलर OS X में ऑलरेडी मिलता था तो फोकस मोड आपको नया देखने को मिल जाता है। ये डिजिटल वेलबिंग से दूसरा फोकस मोड है जो कि यहाँ पर रियलमी UI का खुद का फोकस मोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट से लेकर आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे तक का टाइम मिल जाता है। अगर आप फोकस मोड में चले जाते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशन है आपकी सारी हाइड हो जाएंगी, किसी का कॉल आएगा या मैसेज, आप टाइमिंग वगैरह वही यहाँ पर देख सकते हैं, अपने डिवाइस को यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों, एक बार ही अगर आप फोकस मोड में चले गए तो आपके डिवाइस को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो सोच समझकर आप टाइमिंग सेट करके फोकस मोड को यूज़ कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉक वॉल्ट ऐप देखने को मिल जाती है, इसमें आप अपने जो पर्सनल ID डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कॉलेज ID, तो इनको आप यहां पर सेव कर सकते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पर आप यहीं से उन्हें एक्सेस कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, थीम स्टोर में आप देख सकते हैं डिसअपॉइंटेड वाली बात है कि अभी भी यहां पर फ्री थीम्स आपको नहीं मिलती है, सारी थीम्स पेड है, आपको पैसा देना पड़ेगा थीम परचेज़ करने के लिए, फ़ॉन्ट भी परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जबकि यार बाकी सभी ब्रांड्स के डिवाइसेस में थीम स्टोर में सारी थीम, फ़ॉन्ट, वॉलपेपर सब कुछ फ्री यहाँ पर मिलता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने लोग सहमत है रियलमी के इस डिसीजन से। नेक्स्ट गाइज, आप देख सकते हैं जो आपका स्मार्ट स्लाइड बार है वो चेंज कर दिया गया है, लॉन्ग यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पर मिल जाता है, सारे आइकन्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं छोटी सी स्क्रीन पर यहाँ पर ये ऑन हो जाता है, जितनी भी एप्लीकेशन है जैसे कि मैसेज ऐप तो ये छोटी सी स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स में चलते हैं, आप देख सकते हैं सिस्टम साउंड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन के साथ भी आप इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड गाइस, जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा के साथ भी आप यहाँ पर
स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो एक कमाल का फीचर आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रंट कैमरा भी चालू हो चुका है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं लाइव वॉलपेपर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको टू फिंगर से पिंच इन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर आपको मिलते हैं, रियलमी के खुद के 10-15 वॉलपेपर आपको मिलते हैं जो कि नॉर्मल वॉलपेपर है रियलमी यूआई के। लाइव वॉलपेपर के गाइस अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ लाइव वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर पूरे दिन ऑटोमेटिकली ये वाला वॉलपेपर चेंज होता रहता है। एंड यहाँ पर ये वॉलपेपर्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रियलमी ने भी यहाँ पर कुछ 10-15 लाइव वॉलपेपर्स ऐड किए हैं। और गाइज अगर आप मेरी तरह कमाल के 3D लाइव इलेक्ट्रिक वॉलपेपर्स को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि ये वॉलपेपर आप देख सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। दोनों का सेम यूज़र नेम है MDTalk16, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे कमाल के वॉलपेपर्स का कलेक्शन है, तो जो भी आपको चाहिए मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है, अगर आपको डिवाइस के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर MDTalk Official Realme टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, ग्रुप आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी मैं आपको ये लाइव वॉलपेपर्स वगैरह एंड जो भी ट्रिक्स है रियलमी के डिवाइसेस की वो यहाँ पर सेंड कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट चेंज आपको मिल जाता है गैलरी ऐप में। अगर आप टू फिंगर से पिंच इन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली वाइज जितने भी फोटोज़ आपने कैप्चर किए मई अप्रैल जून, तो वो सब आपको दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर एक बारी और पिंच इन कर देते हैं तो पूरे साल की फ़ोटोज़ आपको लाइन वाइज दिखाएगा। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फीचर आपको मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर किसी भी फोटो को एडिट आप कर सकते हैं, क्रॉप आप कर सकते हैं, फिल्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो एडिटिंग के भी काफ़ी सारे फीचर आपको मिलते हैं। अगर आपको कुछ इरेज करना है तो इरेज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, नया इरेजर का फीचर भी प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप कुछ ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। इसके अलावा अगर आप कुछ स्टिकर्स लगाना चाहते हैं, कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब फीचर यहाँ पर अवेलेबल आपको मिलते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं रिसेंट ऐप्स का जो डिज़ाइन है वो आपको ये मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप मेरी तरह रियलमी 5 या 5i डिवाइस में स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले आप देख सकते हैं इस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं या फिर स्क्रीन लाइट इफेक्ट्स को इनेबल करना चाहते हैं जो कि रियलमी XT रियलमी X सीरीज़ के मोस्टली डिवाइसेस में मिलता है क्योंकि वहां पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन IPS LCD पैनल में रियलमी UI में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो कैसे आपको इन्हें अनेबल करना है, जितने भी नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे, कमाल का ये फीचर आपको मिलता है। तो दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका कि नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच फेसेस में आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, तो जो आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर वही आप यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, डेट का स्टाइल भी, स्टिकर्स अगर आप लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और लाइटिंग इफेक्ट्स के लिए एज लाइटिंग ऑप्शंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कैसी लाइटिंग आपको चाहिए तो स्मूथ मैंने सेट किया हुआ है। नोच स्पोर्ट को आपको यहाँ पर टिक कर देना, नोट स्पोर्ट को अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों नीचे आप जो कलर्स आपको चाहिए लाइटिंग इफेक्ट्स में वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4-5 कलर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो भी आप देख सकते हैं ये सब आप यहाँ पर ऐसे अनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर तो गेम स्पेस है उसको भी यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं। अगर आप कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप PUBG प्ले कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ जाता है तो यहीं से व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, छोटी सी स्क्रीन पर आपको ऑन हो जाएगा मैसेंजर भी। एंड यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस तो सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन कुछ सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, उनको सपोर्ट करता है। बीच में आपको बैटरी मिलेगा, टाइम मिल जाएगा एंड क्या परफॉर्मेंस है, स्क्रीनशॉट आप यहीं से कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहां पर कर पाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप स्लाइड डाउन करते हैं तो FPS भी आपको बता देगा कि कितने FPS पर गेमिंग हो रही है, GPU CPU सब कुछ आपको यहां पर डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग्स के कुछ चेंजेस के बारे में। तो सेटिंग्स में आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट आइकन स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जिस टाइप के आपको आइकन स्टाइल चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कटआउट के साथ मिल जाएंगे, पेबल कस्टम अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं जैसे स्क्वायर चाहिए राउंडेड कॉर्नर्स के साथ, अगर आपको यहाँ पर फुल स्क्वायर चाहिए या फिर दूसरी शेप में चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो साइज़ है वो भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अप्लाई आप क्लिक कर दीजिए, सेम आपके जो आपने सेट किया है उसी में आपके आइकन्स का शेप चेंज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपकी वेदर ऐप है उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जो भी लाइव वेदर होगा उसकी डिटेल्स तो आपको मिलेगी, साथ में जो लाइव एनिमेशन होगी वो भी अभी मिलेगी। जैसे कि अभी दिन है, शाम होने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वैसी एनिमेशन आपको मिलती है। सन आपको मिल जाता है ऊपर, स्काई ब्लू आपको मिलता है, क्लाउड्स की एनिमेशन आपको मिलती है। तो ऐसे ही गाइज बारिश होगी तो रेनी आपको एनिमेशन मिल जाएगी, क्लाउडी होगी तो क्लाउड्स के एनिमेशन आपको मिल जाएगी। तो जो भी लाइव यहाँ पर वेदर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनिमेशंस मिल जाएगी। नेक्स्ट गाइज आपका जो स्मार्ट असिस्टेंट है उसको चेंज कर दिया गया है। टू डोर्स पे क्लिक करके अगर आपको इनकी सेटिंग्स को चेंज करना है, जो एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए माइनस पे क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पर कोई ऐप आपको ऐड करनी है तो ऐड फ्रॉम ऐप पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। स्टेप ट्रैकर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, एंड जो भी लाइव मैचेस की इन्फॉर्मेशन है आप टीम्स को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जो भी मैच लाइव होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट गाइज आपको न्यू चार्जिंग एनिमेशन मिल जाती है, जो लेटेस्ट प्लेनेट वाली चार्जिंग एनिमेशन है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको पहले वाली चार्जिंग एनिमेशन ज़्यादा पसंद है या फिर न्यू वाली। दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर नीचे आपको आ जाना है, एसेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर ऐड हो चुका है, चार यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो एसेसिबिलिटी मेन्यू के अंदर अगर आप इसे ऑन करेंगे, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ से जा चुका है। अगर आप इसे ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं अगर आप डिवाइस में वॉल्यूम अप करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, तो यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। रिसेंट ऐप्स में अगर आप जाना चाहते हैं यहीं से जा सकते हैं। ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। तो गाइज आजकल डिवाइस की जो स्क्रीन है कुछ ज़्यादा ही लंबी आपको मिलती है पहले के मुकाबले, लगभग 6.5 इंचीज़ की, या फिर आजकल नए डिवाइसेस में 7 इंचीज़ के आसपास भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर आपके हाथ छोटे हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डिवाइस को, एक हाथ से यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है, मतलब ऊपर तक आपका हाथ नहीं पहुँच पाता, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, आपका नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर ऑन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अगर आप स्वाइप गेस्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे ऑफ़ करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको सेटिंग्स में कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको नेविगेशन बटन्स का ऑप्शन मिलता है। अभी आप देख सकते हैं स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, तो हमें गेस्चर्स को यूज़ करना है तो बटन्स को आपको ऑफ़ कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं बैक जाने के लिए गाइस आपको लेफ्ट या राइट कहीं से भी आप स्वाइप कर दीजिए, आप यहाँ पर बैक आ जाओगे। और दोस्तों रिसेंट ऐप में जाना है तो स्वाइप अप करके होल्ड आपको करना है, रिसेंट ऐप्स में आप आ जाओगे। आप देख सकते हैं अगर आपको होम स्क्रीन पर आना है, स्वाइप अप सिंपली आपको कर देना, होम स्क्रीन पर आप यहां पर आ जाओगे। एंड गाइस अगर आपको प्रीवियस ऐप को ओपन करना है तो स्वाइप करके रखिए 2 सेकंड के लिए, जो पिछली ऐप थी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं मल्टीपल ऐप्स में। एंड गाइस अगर आप नीचे से थोड़ा मिड से अगर आप स्वाइप अप करके थोड़ा स्वाइप डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे भी फास्टली गाइज आप यहां पर मल्टीपल ऐप्स में स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 बार्स आपको मिलते हैं। अगर आप कॉर्नर से स्वाइप अप करते हैं कॉर्नर से, तो आपका जो स्मार्ट असिस्टेंट है गूगल का वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किस लैंग्वेज में आपको करना है ये आपके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट गाइज सेटिंग्स में आपको रियलमी लैब का ऑप्शन मिल जाता है, ड्यूल मोड म्यूजिक शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप 3.5 mm जैक में एक वायर वाली ईयरफोन यूज़ करते हैं एंड एक वायरलेस ईयरफोन ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं तो एक टाइम पे दोनों ही ईयरफोन्स में आपको सेम म्यूज़िक सुनाई देगा, तो ये फीचर आपको यहाँ पर रियल मी UI के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको हेट ऐप क्लाउड का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर तो हीट ऐप क्लाउड के अंदर सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है या फिर पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट, रिकॉर्डिंग, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने डिवाइस में कुछ डिलीट करें, रीसेट करें बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ से आप बाद में उसको बैकअप ले सकें। तो ये भी फीचर आपको मिल जाता है। तो बाकी फ़ीचर्स के बारे में गाइज आपको ऑलरेडी पता है, तो ये कुछ फ़ीचर्स मैंने आपको बताए थे जो मेन यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।